जय हिंद दोस्तों, आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन शुरुआत में आपको स्टार्टिंग 50 डिप्स से करनी है। 50 डिप्स आपको यहाँ पे लगाने पड़ते हैं। 50 डिप्स लगाने के बाद में आप एक जो है 400 मीटर का पूरा चक्कर लीजिए। जैसे जिस प्रकार यहाँ पे आप देख रहे हैं, अभी 50 डिप्स का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। अब आगे आप देखिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जब राउंड कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में आपको फिर से 50 डिप्स और लगाने हैं। एक ये चक्कर लेना है, 50 डिप्स हो गए, फिर ये चक्कर लेना है। उसके बाद में फिर आपको ऊपर जंप करना है हल्का हल्का, और ऊपर जंप करने के बाद में वापस आपको 50 डिप्स लगाने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा प्रोसेस चल रहा है स्टेप बाय स्टेप। जैसे ही यहाँ पर 50 डिप्स होते हैं, फिर आपको वापस एक 400 मीटर का तेज लंबे स्टेप के साथ में एक चक्कर और लेना है। आप ये मेहनत करके देखिए, 7 दिन के अंदर अंदर आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। एक रनिंग के लिए जो स्टेमिना आपके अंदर होना चाहिए, वो चीज़ आपके अंदर उभर कर नजर आएगी। और दोस्तों, इसी प्रकार के टिप्स और अन्य वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। जैसे ही आपका एक और चक्कर कंप्लीट होता है, उसके तुरंत बाद आपको फिर से आगे खड़े होना है, हल्का हल्का ऊपर जंप करना है, और जंप करने के साथ ही आपको वापस वही 50 डिप्स मारने हैं। 50 डिप्स अगर आप नहीं लगा सकते तो आप 5 मिनट के लिए बैंड हो जाइए। जिस प्रकार बच्चे बैंड हो रखे हैं, ये आपको 5 मिनट तक होना है। आप अगर अकेले हैं तो आप घड़ी में टाइम लगा के अपने सामने रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो दोनों आँखें बंद कर लें और उसके बाद में बैंड रहें। आप आसानी से इजीली हो सकते हैं, या फिर आप डिप्स लगाना कंटिन्यू जारी रखें।
उसके बाद आप चाहे बैंड हो चाहे आप डिप्स लगा रहे हो, आपको फट से खड़े होना है। खड़े होके आपके सामने कम से कम 200 से 300 मीटर का आपको शूट मारना है, और एकदम जितनी आपकी कैपेसिटी हो उस कैपेसिटी के हिसाब से आपको शूट मारना है। शूट मारने से पहले आपने हाथ हिला लें, और हाथ हिलाने के बाद में आपको एकदम स्पीड से जितना आप मार सकते हो आपको शूट मारना है वहाँ पर। स्टॉप, वापस घुमो इधर और भाग जाओ। ओए खींच के स्पीड से, अपनी जगह आके खड़े हो जाओ बराबर। ओए इतना टाइम क्यों लग रहा है, शिकायत दो। खींच के खींच के खींच के खींच के खींच के खींच के उसके बाद में वापस आपको आना है, और आपको सिर्फ बैंड होना है, वो भी 5 मिनट के लिए। हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपको 5 मिनट के लिए बैंड होना है, और यही प्रोसेस हमारे यहाँ वीर फौजी डिफेंस अकेडमी में चलता है। और जो 80 जो सिलेक्शन बता रहे हैं आपको, इसी फिजिकल के दम पे हमने दिए हैं, जो मंडे से लेके आज फ्राइडे तक के वीडियो जो है, इस सहित फ्राइडे तक के वीडियो जाएंगे। बाकी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करके मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे के जो भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हर शाम मैं लाइव आता हूँ, उसके लिए एक नया चैनल बनाया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ जाके हर रोज़ 7 बजे लाइव क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हैं। उसके बाद में आपको फिर से एक चक्कर लेना है ग्राउंड का। जी हाँ दोस्तों, फिर से आपको ग्राउंड का चक्कर लेना है, और ग्राउंड चक्कर लेने के बाद में आपको रिलैक्स करना है थोड़ी देर के लिए, और 2 मिनट के रेस्ट के बाद में आपको तुरंत सपाटे मारने हैं, जो कि एक डिप्स का ही परिवर्तित रूप है, वो आपको करना ही पड़ता है। क्योंकि अगर आपको स्टेमिना इंक्रीज करना है तो उसके लिए इतनी मेहनत तो बनती है यार, और आर्मी की वर्दी ऐसे ही नहीं मिल जाती इजीली। इसलिए सपाटे आप देख लो, इस प्रकार आपको सपाटे लगाने होते हैं। सपाटे खत्म करने के बाद में आपको समतल जगह पैड जाना है, वहाँ पे आपको अपनी पिंडी जो है, अपना पैर जो है, वो जमीन पे मार लेना है ताकि आप नॉर्मल हो जाओ। नहीं तो इतना वर्कआउट करोगे तो थक जाओगे बहुत ज़्यादा। इसके लिए जितना वर्कआउट करते हो उतना ही रिलैक्स एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, और मेन जितनी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है उतना एक्सरसाइज करने के बाद में रिलैक्स करना इतना ज़रूरी होता है। रिलैक्स का मतलब ये नहीं है आप बैठ जाओ, उसमें भी अलग अलग तरीके से रिलैक्स किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे अभी पैर पटक रहे हैं, लाइन से रिलैक्स एक्सरसाइज करने के बाद में आपको गोल सर्किल लेना है, और सर्किल में आपको एक दो सर्किल लेने हैं जिस प्रकार की बच्चे ले रहे हैं। और फिर आपको 1600 मीटर में अक्सर क्या है, हम दौड़ते हुए गिर जाते हैं, तो गिरते हैं तो हमारे हाथ की प्रैक्टिस नहीं होती कि हम हाथ जमीन पे अगर कहीं भी गिर रहे हैं तो हाथ लगा के भाग सके वापस। तो वही प्रैक्टिस है इसमें, एक हाथ एक साइड में, दूसरा हाथ दूसरी साइड से। फिर आपको जंप करते हुए सर्किल लेने हैं, और यकीन मानिए आप ये पूरा वर्कआउट करोगे, देखने में आपको बड़ा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन बहुत मज़ा आएगा जब आप करोगे। हमारे यहाँ एकेडमी में तो यही होता है, और सारे बच्चे हंसते खेलते ये सब करते हैं।
और शाम का वर्कआउट भी बड़े इजीली कर लेते हैं। मुझे प्राउड होता है इन बच्चों पे जब ये प्रैक्टिस करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि देश सेवा का जज्बा इनके अंदर रहता है। इन्हें किसी एजेंट किसी दलाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब ये भर्ती होने जाएंगे। मुझे प्राउड है इन बच्चों पे। आगे का प्रोसेस देखिए आप, ये जो जंप आप करते हैं उसके बाद में आपको एक जगह खड़े होना है और अपने दोनों घुटनों पे आपको हाथ रखना है इस प्रकार, और सांस अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है। आपको हांफना है, जितना ज़्यादा आप हांफ सके उतना स्पीड से। ये एक रिलैक्स का तरीका भी है। उसके बाद में आपको बायां पैर दाएं हाथ पर, दायां पैर बाएं हाथ पर आपको मारना है। जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक भी कर रहे हैं आपको दिख जाएंगे, वो सेम पैर सेम हाथ पे मार रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। दायां बाएं पे, बायां दाएं पे, यही प्रोसेस चलता रहता है। उल्टा उल्टा स्पीड से जंप के साथ ही, अरे बावड़ी बांध, ये पैर उस हाथ से। फिर आपको दोनों पैर सामने करने हैं और पिछवाड़ा थोड़ा ऊपर उठाना है और आगे और पीछे आपको होना है। इससे बहुत इजीली आप रिलैक्स हो सकते हो। उसके बाद में आपको पैर पे बैलेंस बनाना है कि आपकी बॉडी पे इतना एक्सरसाइज करने के बाद भी आपका खुद का कंट्रोल है कि नहीं है। ये कम से कम आपको 2 महीने प्रैक्टिस करने के बाद में होता है। जिस प्रकार ये 10 नंबर कर रहा है तो आप देख सकते हैं, ये बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। नए बच्चे नहीं कर पा रहे, कुछ को तो समझ में भी नहीं आ रहा कि करना कैसे है। ये बैलेंस बनाना अगर आ जाता है तो इसका मतलब है कि अब आप अपने पैर पे अपनी इच्छा से ताकत लगा सकते हो। तो ये भी आपको चेक करना चाहिए कि क्या मैं जो कर रहा हूँ उसका मुझे कुछ बेनिफिट हो रहा है या फिर ऐसे ही फालतू ही कर रहा हूँ। ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में आपको पैर को पैर के ऊपर रख के इस प्रकार बैठना है ताकि पैरों में अगर कहीं अकड़ भी हो तो वो थोड़ी निकल जाए और आपके जो स्टेप है वो सुधर सके। इसके बाद में सबसे लास्ट में तो वही है, वो मुझे आप देखिए, आप देखोगे तो पता लगेगा आपको लास्ट में क्या करना है। वेरी गुड, अब उस पैर को आगे नहीं है, आगे ले, हाँ अब उठा के ऊपर रख, अरे उठ, उठा इसको, उठा, पकड़ के रख, तेरा भी नहीं हो रहा, दर्द तो हो गया, दर्द नहीं। मास्टर हट गयो, सब्जी रख रख खेड़ा रख रख गयो, मास्टर खेड़ा रख रख गयो, आलू भी मंगाना।